सो हे गाइस इन फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स के S5 प्रो के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाकर बताया था, इन्फिनिक्स का S6 आपको बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। बट जो इन्फिनिक्स का S6 था, वो ज्यादातर कन्फर्म होकर आ रहा है कि इन्फिनिक्स का S5 प्रो के नेम से आपको वो फोन देखने को मिलेगा। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस फोन के बारे में निकल के आ रही है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। और साथ में इस फोन पर आपको क्या प्राइसिंग देखने को मिलेगी, और ये कब लॉन्च होगा इंडियन मार्केट पर, और इस पर आपको क्या कुछ स्पेक्स देखने को मिलने वाली है, कुछ कंफर्म होकर निकल के आ चुकी हैं। सो वीडियो बिल्कुल एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो गाइस वीडियो की स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, जो इन्फिनिक्स का S5 प्रो है, उस पर आपको अच्छा खासा स्पेक्स देखने को मिलने वाला है। ये भी इन्फिनिक्स के तरफ से बहुत ही अच्छी बात होगी कि इस फोन पर बताया जा रहा है कि इस फोन पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ में ये फोन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको इस फोन की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो 6.6 इंचेस की हो सकती है, वो भी आपको पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ में, जो कि फुल व्यू डिस्प्ले होने वाली है। इससे ये कंफर्म हो जाता है, जैसे कि इन्फिनिक्स की तरफ से सोशल मीडिया में इन्फिनिक्स के ऑफिशियली अकाउंट पर बार बार एक वीडियो पोस्ट किया जा रहा था काफी दिनों पहले से। अपआउट करके एक वीडियो पोस्ट किया गया था इन्फिनिक्स के तरफ से ऑफिशियली सोशल मीडिया अकाउंट पर इन्फिनिक्स के, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि एक पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन आ रहा है। तो इन्फिनिक्स का S5 प्रो ही हो सकता है कि इस पर आपको इन्फिनिक्स की तरफ से पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में ये फोन आपको देखने को मिलेगा। ये काफी दिनों पहले भी कंफर्म हो चुका था, और अब तो बिल्कुल ही कंफर्म हो चुका है कि इस फोन पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और बड़ी डिस्प्ले इस फोन पर आपको देखने को मिलेगी, और फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है। जब हम बात करें इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी की, तो डिस्प्ले क्वालिटी जो इस फोन पर आपको देखने को मिलेगी, वो हो सकता है आपको HD+ का ही रेजोल्यूशन प्रोवाइड करे। बट ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि इस फोन पर आपको FHD का रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। और जो इस फोन पर डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो IPS LCD डिस्प्ले आपको इस फोन पर देखने को मिलेगी। कोई भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फोन पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस पर आपको जो प्राइजिंग देखने को मिलेगी वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, तो आपको इस फोन पर IPS LCD ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको FHD का रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसकी बैक डिजाइन की, तो बैक डिजाइन में आपको प्लास्टिक बॉडी ही देखने को मिलेगी, पॉलीकार्बोनेट की बॉडी, और साथ में हो सकता है इस बार आपको क्वाड कैमरा का भी सेटअप देखने को मिल जाए। जैसे कि आपने देखा था इन्फिनिक्स के S5 लाइट पर तो क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता था, तो इस फोन पर भी आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। साथ में इस पर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो इस पर आपको बैक साइड पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और साथ में इन्फिनिक्स का लोगो देखने को मिल जाएगा, और ग्रेडियंट फिनिश के साथ में इसकी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिजाइन भी इस फोन की आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो जब हम बात करें इस फोन की कैमराज की, तो कैमरा जो इस फोन पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, वो रियल साइड पर आपको हो सकता है क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाए, जो कि प्राइमरी कैमरा सेंसर हो सकता है 48 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाए, जो कि लीक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत काफी लीक्स आ चुकी हैं, जो कि आपको 48 मेगापिक्सल का बता रही हैं इस फोन पर आपको कैमरा देखने को मिलेगा। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि इस फोन पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलेगा, रियल कैमरा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ में आपको रियल कैमरा जो देखने को मिलेगा प्राइमरी, वो आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाएगा इस फोन पर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी कम प्राइसिंग में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा इन्फिनिक्स प्रोवाइड कराएगी, और पॉपअप सेल्फी कैमरा भी प्रोवाइड कराएगी। और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कैमरे के बारे में कि इस पर आपको फ्रंट कैमरा कितना क्या देखने को मिलेगा, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल सकता है। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के बारे में दो बताया जा रहा है लीक्स की, इस फोन पर आपको MediaTek का हीलियो का P70 वाला चिपसेट भी देखने को मिल सकता है, और MediaTek का हीलियो का P35 वाला भी चिपसेट देखने को मिल सकता है। तो हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस जो MediaTek का हीलियो का P70 में आपको देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। यही बात करें MediaTek के हीलियो का P35 की, तो उतना ज्यादा पावरफुल आपको देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल जाता है MediaTek का हीलियो का P22 से। तो ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि इस फोन पर आपको MediaTek का हीलियो का P35 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिक्स के जो फोन होने वाले हैं उनकी प्राइसिंग आपको कम देखने को मिलती है, तो इस फोन की भी आपको प्राइसिंग under 10,000 में देखने को मिलेगी। तो इस फोन पर भी आपको MediaTek का हीलियो का P35 ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है, 90% चांसेस कि यही चिपसेट आपको MediaTek का हीलियो का P35 देखने को मिले इन्फिनिक्स के S5 प्रो में। तो ये भी इसकी भी परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत ठीक होगी, बट under 10,000 में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिला है, तो MediaTek का हीलियो का P35 भी देखने को मिल जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम बात करें इस फोन की बैटरी की, तो बैटरी जो इस फोन पर आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाए, इस पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलने के काफी कम चांसेस है, क्योंकि इस फोन पर आपको और भी कई अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो बैटरी में थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिल जाएगी।
4000 एमएच की बैटरी देखने को मिलेगी और कोई भी फास्ट चार्जर का सपोर्ट इस फोन पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिक्स की तरफ से आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो गाइज इस फोन पर हो सकता है आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिक्स की तरफ से आपको टाइप सी का पोर्ट भी अभी तक कोई भी फोन पर देखने को नहीं मिला, तो इस पर भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाए। बट अगर इन्फिनिक्स इस पर आप टाइप सी पोर्ट दे देती है और 15 वाट का फास्ट चार्जर ही दे देती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। नहीं तो आपको इस पर आप टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा और ना ही कोई भी फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो रैम वेरिएंट आपको 2-3 रैम वेरिएंट के साथ में देखने को मिल जाएगा, हो सकता है 3 GB 32 GB और 4 GB 64 GB के साथ में ये फोन देखने को मिल जाए। जब हम बात करें इस फोन की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो इस फोन की रखी जानी है वो तो कंफर्म ही हो चुकी है कि अंडर 10,000 में आपको ये फोन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है आपको 9,999 में ये फोन देखने को मिल जाए कंफर्म। तो गाइस हम बात कर लेते हैं ये फोन आपको कब तक देखने को मिलेगा इंडिया में। तो जैसे कि कंफर्म हो चुका है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स के सोशल मीडिया में इस फोन के बारे में काफी कुछ निकल के आ चुका है, तो बताया जा रहा है कि ये फोन आपको फरवरी के मंथ में कंफर्म ही देखने को मिलने वाला है। तो आपको फरवरी के मंथ में ही कंफर्म इन्फिनिक्स की तरफ से ये फोन देखने को मिलने वाला है। सो गाइस इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी इन्फिनिक्स के S5 Pro के बारे में जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। सो वीडियो में कुछ इतने बताना था, सो वीडियो पसंद आते हो बिल्कुल लाइक जो करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जो करना, और चैनल पर हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।